भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का सिलेबस ही राष्ट्र विरोधी है। वे ऐसी ही बातें करते हैं जिससे देश का नुकसान हो। उनका मानना है कि पहले जो नेता भाजपा में रहकर देश हित की बात किया करते थे, अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनकी भाषा राष्ट्र विरोधी हो जाती है। उनके संस्कार ही ऐसे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल मंगलवार को प्रज्ञा ठाकुर ने ये बात कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सोमवार को भोपाल में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर मीडिया द्वारा पूछे प्रश्न के जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को अच्छे संस्कार और राष्ट्रभक्ति वाली विचारधारा की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कांग्रेस में उससे उलट शिक्षा दी जाती है। उनका सिलेबस ही ऐसा है। जो लोग पहले भाजपा में थे, वे लोग जैसे ही कांग्रेस में शामिल हुए, उनके बोल राष्ट्र विरोधी हो गए। तो ऐसा है, कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ी है। देश विरोधी बातें करना, देश विरोधी लोगों का उनको जी लगाना, आतंकवादियों को जी लगाना, देश विरोधी जो भी गतिविधियां होती हैं, उस सब में कांग्रेस आती है। अभी भाजपा में जो लोग रहते हैं वो सब देशभक्ति की बातें करते, जैसे ही कांग्रेस में जाते हैं उनका बिल्कुल सिलेबस चेंज हो जाता है और वो देश विरोधी बातें बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि ये सब सिद्धांतों का और संस्कारों का परिवर्तन है। प्रज्ञा ने कहा, हम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। सत्य हताश हो सकता है पर परास्त नहीं हो सकता है, इसका मैं उदाहरण हूँ। आगे भी सत्य की ही जीत होगी। देखो, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य सदैव मजबूत रहता है। समय अपने आप उसका उत्तर देता है। कमजोर सत्य पड़ जाएगा तो प्रलय आ जाएगी। सत्य कभी पराजित नहीं होता और ना कमजोर पड़ता है। बहरहाल भोपाल के चुनाव में बयानबाजी सातवें आसमान पर है, लेकिन अब देखना होगा कि भोपाल की जनता किसके ऊपर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल।